खबर तुर्की की, जहां लैंडिंग के वक्त विमान रनवे से फिसलकर दीवार से जा टकराया और उसके दो टुकड़े हो गए। इस विमान में 177 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों की जान बच गई, लेकिन विमान हादसे की जो तस्वीरें आई हैं वो हैरान करने वाली है। तुर्की में रनवे से फिसले विमान के दो टुकड़े हुए, बाल बाल बचे 177 यात्री। तुर्की के इस्तांबुल शहर में बुधवार को एक यात्री विमान हवाई अड्डे पर उतरते वक्त रनवे से फिसल गया और उसके दो टुकड़े हो गए। इन तस्वीरों को देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि विमान में मौजूद सभी यात्रियों की जान बच गई। तुर्की के परिवहन मंत्री मेहमत काहित तुरहान ने बताया कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। हादसे के वक्त विमान में 177 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि विमान हादसे में 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तुर्की में विमान हादसे की CCTV तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि विमान के रनवे पर उतरते ही उसमें आग लग गई और देखते ही देखते उसके दो टुकड़े हो गए। ये विमान इज़मिर शहर के एजियन से खराब मौसम में इस्तांबुल के साहिबा गोकचेन हवाई अड्डे पर उतरा था और तभी हादसे का शिकार हो गया। विमान के टूटे हुए हिस्से और पिछले हिस्से से यात्रियों को बाहर निकाला गया। कुछ यात्री खुद दो टुकड़ों में टूट चुके विमान से बाहर आ गए। हादसे का शिकार हुआ विमान तुर्की की किफायती विमानन कंपनी पेक्सस एयरलाइंस का है। टीम न्यूज़ नेशन।